क्वेश्चन 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 लास्ट वीडियो में हम हम लोग नंबर 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 तक कंप्लीट से स्टार्ट करते हैं है फाइंड फाइंड द द द फोर्थ टर्म ऑफ़ फॉलोइंग प्रोपोर्शन इसमें को फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म टर्म दिया है फोर्थ तो इसमें क्या करेंगे तो अगे सेम जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई फोर्टीन ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई एक्स ट्वेंटी वन को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया ठीक है क्या आ जाएगा थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री नाइन जे ट्वेंटी सेवन सेवन टू जा फोर्टीन नाइन टू जा एटीन ठीक है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया एटीन मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन इज एटीन ये हो गया आंसर बी नंबर देखते हैं बी नंबर में भी फोर्थ टर्म को एक्स ले लेते हैं ठीक है लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स अगेन क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मल्टीप्लाई किए फिफ्टी सेवन मल्टीप्लाई एक्स सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाई वन हंड्रेड एट फिफ्टी सेवन को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया ठीक है नाइनटीन थ्री जा फिफ्टी सेवन नाइनटीन फोर जा सेवेंटी सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री सिक्स जा एटीन थर्टी थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फोर आ रहा है मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर फोर टू आ गया कैरी फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व एंड टू फोर्टी फोर तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर सी नंबर देख लेते हैं क्या है थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन फोर्थ टर्म को अगेन हम लोग एक्स ठीक है लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स ठीक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म मल्टीप्लाई कर लिए थ्री मल्टीप्लाई एक्स नाइन मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन थ्री को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन नाइन नाइन जा एट्टी वन सो फोर्थ प्रोपोर्शन इज एटी वन ये हो गया हमारा आंसर लास्ट है डी नंबर

फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर सेवन नंबर है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर हम लोग को फाइंड करना है तो जैसे में यहाँ पे दिया four, इसमें क्या दिया है एक्सट्रीम टर्म दिया है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो मीन के प्लेस में मीन टर्म कितने होते हैं टू टर्म होते हैं मीन के तो टू टाइम्स एक्स लेके सॉल्व करेंगे ठीक है लेट मीन पर पर्सन बी एक्स तो क्या हो गया थर्टी सिक्स रेशियो एक्स पर पर्सन एक्स रेशियो सिक्सटीन प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई सिक्सटीन अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल यहाँ पे स्क्वायर रूट uh, लग गया थर्टी सिक्स किसका स्क्वायर है थर्टी सिक्स हुआ एंड फोर फोर जै सिक्सटीन एलसीएम के थ्रू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं थर्टी सिक्स है फोर फोर जो सिक्सटीन फोर मन जाए फोर अगेन यहाँ पे पेयर बना तो यहाँ लिखे फोर सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर तो मीन टर्म क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन इज ट्वेंटी फोर ये हो गया इसका आंसर बी नंबर इस स्टेप से फाइंड करते हैं बी नंबर में भी क्या करेंगे मीन प्रोपोर्शन हम लोग एक्स ले लेंगे ठीक है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई नाइन फोर नाइन जो थर्टी सिक्स और तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन का एंसर सी नंबर इसी टाइप से फाइंड करते हैं एक्स एंड एक्स क्या हो गया एक्स मीन प्रोपोर्शन में एक्स लिए क्योंकि एक्सट्रीम टर्म फोर मल्टीप्लाई सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जो होता है सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर किसका सॉरी स्क्वायर है एट का एट एट जा सिक्सटी फोर यहाँ एल्सियम फाइड कर लेते हैं एट जा 64, एट जा सिक्सटी फोर एट वन जाट पेयर बना इसलिए सिंगल टाइम्स क्या लिखे एट सो एक्स इज इक्वल टू एट ये हो गया हमारा मीन टर्म ठीक है अब देखते हैं डी नंबर अगेन यहाँ पे मीन टर्म क्या लेंगे एक्स ठीक है मल्टीप्लाई किए एक्स 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 स्क्वायर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव क्या होता है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यहाँ पे भी क्या किया रूट से मल्टीप्लाई किया ट्रांसफर करने से वो क्या बन जाता है ठीक है तो 625 किसका root है है का तो तो क्या आ गया 25. इसको भी find कर लेते किसके में आता है? देखो 5 से अगर करेंगे तो कैसा होगा फाइव वन होगा फाइव टू जै ट फाइव फाइव जा टी फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन जा फाइव तो यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है टू पेयर बन रहा है तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं इसको देखो कैसे लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव फोर टाइम्स है वन टू थ्री फोर अब इसका पेयर बनाएंगे पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं रूट से वो बाहर लिखते हैं तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव क्योंकि टू पेयर इसलिए टू टाइम्स लिखे हैं फाइव फाइव जा 25. तो एक्स का कितना आ रहा है 25. Next है ई हंड्रेड मल्टीप्लाई किए क्या हो रहा है ट्वेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड अब यहाँ पे देखो स्क्वायर e को ट्रांसफर किए रूट बन गया ठीक है और ये देखो वन हंड्रेड ट्वेंटी वन किसका रू स्क्वायर होता है इलेवन का तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे इलेवन हंड्रेड हो गया देखो इसको भी एल से वो फाइन कर लेते हैं इलेवन बन जाए इलेवन इलेवन बन जाए इलेवन इलेवन जीरो जा जीरो इलेवन जीरो जा जीरो इलेवन से करेंगे इलेवन बन जाए इलेवन जीरो जो जीरो जीरो जा जीरो अब किससे होगा टेन से टेन टेन या हंड्रेड टेन टन टेन बन जाए टेन यहाँ पे भी टू टाइम्स पेयर बन रहा है पेयर को सिंगल लिखते हैं इन दोनों पेयर का हो गया इलेवन मल्टीप्लाई इन दोनों पेयर का सिंगल टाइम लिखे टेन इलेवन टन हंड्रेड टेन आंसर क्या हो जाएगा नंबर देखते क्या है अगेन हम लोग मिडिल टर्म क्या लेंगे एक्स तो क्या हो गया मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई में लिखे जीरो का जीरो गया फाइव टू जै टेन जीरो वन आ गया कैरी फाइव थ्री जो फिफ्टीन एलेवन सिक्सटीन स्क्वायर को ट्रांसफर किए रूट गया सिक्सटीन किसका स्क्वायर है फोर का और डबल जीरो होता है तो उसको सिंगल जीरो लिखते हैं इसको भी फाइट कर लेते हैं एल सी एम फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जीरो फोर जीरो फोर वन जाोर जीरो फोर जीरो जाए जीरो जीरो जा जीरो एंड टेन वन जा टेन पेयर क्या बना टेन एंड ये सिंगल पेयर फोर टेन जा फोर्टी तो मीन टर्म क्या आ रहा है फोर्टी ठीक है अब जी नंबर देखते हैं इसी टाइप से बी टर्म क्या है x स्क्वायर so, x हो गया फोर मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फोर जो क्या होता है वन हंड्रेड फोर्टी फोर स्क्वायर को ट्रांसफर किए क्या बन गया रूट और वन हंड्रेड फोर्टी फोर किसका रूट है ट्वेल्व का तो बी टर्म क्या हो जाएगा टूवेल्व एलसीएम के थ्रू अगेन फाइंड कर लेते हैं ये किससे हो जाएगा डिवाइड टू से टू सेवन जाए फोर्टीन टू टू जाए फोर टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स जा 12, 2, 1, जा टू वन जाट जा सिक्सटीन अब क्या होगा टू नाइन जा एटीन ठीक है थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री कितना पेयर बन रहा है वन टू थ्री फर्स्ट पेयर का टू हो गया सेकंड पेयर में भी टू है थर्ड पेयर क्या है थ्री तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर फोर्थ थ्री जा 12, तो टर्म आ गया ना टूवेल्व इस टेप से फाइंड करते हैं लास्ट है, है एच नंबर लेट मीन प्रपोसन इज एक्स एक्स ठीक है तो एक्स एंड एक्स को मल्टीप्लाई किए हो हुए एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई किए तो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई किए तो क्या नाइन थाउजेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई ट्रांसफर किए तो क्या बन गया रूट नाइन किसका रूट है थ्री का इसको भी फाइंड कर लेते हैं नाइन थाउजेंड थ्री थ्री जी नाइन जीरो 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 थ्री किससे होगा टेन से टेन जीरो, 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 जीरो। मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है नाइन हंड्रेड होता है ठीक है तो नाइन हंड्रेड का फाइंड करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा थ्री थ्री जाइन थ्री जीरो जाए जीरो थ्री जाए थ्री हंड्रेड हुआ टेन टेन जो हंड्रेड टेन टेन तो पेयर का बन रहा तो मीन क्या हो जाएगा 30. अब 8 है हैज रेशियो टू थर्टी टू एज एटीन हैजेंटी फोर ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा थर्टी टू एज क्या बोला एज बोला है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन एटीन है क्या लगता है रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन तो इसके रेशियो के लिए हम लोग एक्स ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ क्या एक्स रेशियो थर्टी टू प्रोपोर्शन एटीन रेशियो ट्वेंटी फोर बाई मिस्टेक क्या हुआ मैं पूरा समझा दी थी उसके बाद वीडियो ऑन की इसलिए ऑलरेडी रेड रेड है ठीक है तो मैं फिर से आप लोगों को समझा रही हूँ तो यहां पे क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया अब इसको डिवाइड कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर एंड फोर एट जा थर्टी 6, 3 जा 18, and 8, 3 जा 24. तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं पे का already given है हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड है जब थ्री टर्म होते हैं तो मीन टर्म को हम लोग क्या करते हैं मीन मीन टर्म टर्म है ये तो इसको के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो होता, उसको लिखते हैं क्योंकि ये है. तो में इसी को लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म तो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म में दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई जेड ठीक है y का वैल्यू क्या दिया हुआ है सिक्स तो वाई के प्लेस में लिख दिए सिक्स और जेड का वैल्यू क्या है ट्वेल्व तो लिख लिए 12. 6, 6 जा थर्टी ट्वेल्व को ट्रांसफर किया डिवाइड जा किएंगे थर्टी सिक्स तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है थ्री अब क्वेश्चन तो ये इसका आंसर अब क्वेश्चन नंबर टेन देखते क्या है फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर देखो इसमें हम लोग को सेकेंड टर्म फाइंड करना है फर्स्ट टर्म क्या है फोर्टी टू थर्ड टर्म सेवेंटी फोर्थ टर्म थर्टी फाइव तो सेकेंड टर्म को हम लोग अभी के लिए क्या ले लेंगे एक्स सेकंड टर्म हम लोग को फाइंड करना है ठीक है लेट सेकेंड प्रोपोर्शन बी एक्स तो सेकेंड के प्लेस में एक्स लिए अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है एक्स मल्टीप्लाई सेवेंटी एंड एक्सट्रीम इज फोर्टी टू मल्टीप्लाई थर्टी फाइव सेवेंटी को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, थर्टी फाइव सेलेवन देखते क्या है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो सिक्स रेशियो थ्री इफ सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ को रेशियो के फॉर्म में दिया है नेक्स्ट स्टेप में क्या है लेंथ 80 सेंटीमीटर है ब्रेथ हम लोग को फाइंड कर रहे हैं तो इसमें कैसे लिखेंगे देखो लेंथ रेशियो ब्रेथ क्या है सिक्स रेशियो थ्री ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है इसलिए ब्रेथ क्या ले लिया है अभी बी ठीक है तो देखो लेंथ रेशियो ब्रेथ के फॉर्म में तो लेंथ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एट्टी इसीलिए क्या लिखे एट्टी ब्रेथ हम लोग फाइंड करें इसलिए बी और फर्स्ट वाले भी क्या दिया है Length ratio breath, ratio तो लिखे ratio ratio means मैं बताई पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में डिवाइड होता है तो एट्टी अपॉन बी लिखे सिक्स अपॉन थ्री देन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एट्टी मल्टीप्लाई थ्री सिक्स मल्टीप्लाई बी सिक्स को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स जीरो आंसर 0, 0. क्या रहा है फोर्टी मीन्स ब्रेथ क्या होगा फोर्टी सेंटीमीटर अब देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर द मैप ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ड्रॉ ऑन अ स्केल वर्ल्ड रेशियो नाइंटी इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द फील्ड इज टू हंड्रेड सेवेंटी मीटर वाट विल इट बी ऑन द मैप अब क्वेश्चन क्या बना है जो मैप है वो रेक्टेंगुलर फील्ड का है ठीक है तो जो मैप है उसमें स्केल क्या लिए है वन यूनिट नाइन्टी ठीक है वन यूनिट का नाइंटी मीटर है सॉरी स्केल मैप में तो एक्चुअल लेंथ क्या है टू हंड्रेड सेवेंटी मीटर है इसमें क्या दिया है नाइन्टी लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है टू हंड्रेड सेवेंटी मीटर फील्ड का तो अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि जो ये वन यूनिट है वो एक्चुअल में कितना यूनिट होगा एक्चुअल फील्ड में

90 को ट्रांसफर किया डिवाइड में आ गया जीरो जीरो कैंसल नाइन थ्री 3 थर्टी वन थ्री बन जा थ्री तो एक्स का वैल्यू क्या आ थ्री मीन्स टू हंड्रेड सेवेंटी मीटर रिप्रेजेंट थ्री यूनिट ऑन मैप मैप में थ्री यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे टू हंड्रेड सेवेंटी मीटर को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ नाइन एंड फोर एंड क्या है एक्सट्रीम टर्म है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना तो मीन टर्म एक्स लेते हैं लेट मीन प्रोपोर्शन बी ठीक है तो नाइन रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो फोर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स एक्स क्या हो गया एक्स 9 फोर जा थर्टी सिक्स रूट को स्क्वायर को ट्रांसफर किए रूट हो गया थर्टी सिक्स किसका रूट है सिक्स का तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है सिक्स मीन प्रोपोर्शन इज सिक्स एटीन रिफाइंड ऑयल इज एट सेंटीमीटर हाई एंड कैन कॉन्टेंट थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू लीटर ऑफ ऑयल द मैन्युफैक्चर इंक्रीज द हाइट ऑफ द टीन

कितना लीटर हम लोग ऑयल रख सकते हैं इसमें क्या करेंगे आप तो इसका रेशियो क्या बन रहा है हाइट रेशियो लीटर इक्वल हाइट रेशियो लीटर तो यहाँ लिखे हाइट रेशियो लीटर हाइट क्या है एट तो लीटर क्या है थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू सेम इसी तरह से हाइट क्या है ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो लीटर क्या है लीटर फाइंड करना है तो मल्टी अब क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू मल्टीप्लाई एट को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया टू फोर जाट टू वन 26 टू टू सेवन जा 4, क्या आ जाएगा टू एट जा 16 टू एट जा सिक्स टू वन जे टू टू फोर जाट टू फोर फोर्टी फोर मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव करेंगे तो क्या होगा फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है टीन में फाइव हंड्रेड फिफ्टी लीटर ऑयल हम लोग रख सकते हैं ये हो गया आंसर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ प्रोपोर्शन आर फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी फाइंड फोर्थ टर्म थ्री टर्म ऑलरेडी गिवन है फोर्थ टर्म हम लोग को फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म हम लोग सपोज दैट क्या ले लेते हैं एक्स लेट फोर्थ परसन बी एक्स के प्लेस में एक्स लिए अब क्या करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ मीन मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम टर्म टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी ये हो गया हमारा आंसर तो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू हमारा कंप्लीट हो गया आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू